Renu wants to change the design of the floor of her living room, which is of dimensions 6 meter by 4 meter. And it is covered with circular tiles of diameters 50 centimeter each, as shown in the figure. तो ये जो आपको फिगर दिखाया गया है ये रेनू के रूम का फ्लोर है ये ओके इसकी लेंथ बोली गई है 6 मीटर एंड इसकी विड्थ है 4 मीटर ओके यहाँ पर बोला गया ना 6 बाय 4 तो 6 बाय 4 का मतलब होता है लेंथ रहेगी 6 एंड विड्थ रहेगी 4 ओके फिर आप देखें इस पर बहुत सारे सर्कुलर टाइल्स हैं ये हर सर्कुलर टाइल का जो डायमीटर है ये 50 सेंटीमीटर है ओके डायमीटर 50 है तो रेडियस अगर पता करनी हो तो उसकी हाफ हो जाएगी अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ सर्कुलर टाइल्स अलॉन्ग द लेंथ रूम की लेंथ ये रही तो इस लेंथ के अलॉन्ग ये टाइल्स कितनी है ये पता करना है 1 2 3 4 ओके और यहाँ काउंट करके नहीं पता करना है ओके ये इन्होंने सिर्फ डायग्राम दिखाया है रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें जो टाइल्स आपको दिख रही हैं ये कम और ज़्यादा हो सकती हैं तो इन पर डिपेंड नहीं होना है हमें कैलकुलेशन पर डिपेंड होना है अपनी तो आप देखें ये जो पूरी लेंथ है ये 6 मीटर है और एक टाइल की जो विड्थ है आई मीन डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है तो अगर मैं इस पूरी लेंथ को टाइल के डायमीटर से डिवाइड करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ़ टाइल्स पता लग जाएंगी ठीक है ना तो मैं यही करता हूँ मैं 6 मीटर को डिवाइड करता हूँ 50 सेंटीमीटर से ताकि मुझे पता लग जाए कि इस लेंथ में कितनी टाइल्स रखी हुई हैं तो 6 मीटर को पहले तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा बिकॉज़ अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो इन दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए ऊपर मीटर है नीचे सेंटीमीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 6 मीटर विल बिकम 600 सेंटीमीटर और डिनोमिनेटर में 50 सेंटीमीटर ही रहेगा अभी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 12 मिलेगा ओके तो मतलब डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आई होप ये क्लियर है डी ऑप्शन इज़ करेक्ट अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ द टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर टाइल्स इक्वल्स ओके टोटल नंबर ऑफ टाइल्स पता करना है तो यहाँ टोटल टाइल्स पता करने का मेथड ये है कि आप देख लें लेंथ में कितनी टाइल्स हैं एंड विड्थ में कितनी टाइल्स हैं लेंथ की टाइल्स को विड्थ की टाइल्स से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स पता लग जाएगा आपको इस रूम के फ्लोर में कितनी है ओके तो लेंथ वाइज कितनी टाइल्स हैं तो हमको पहले से मालूम है ये 12 है ओके विड्थ के अलॉन्ग कितनी टाइल्स हैं ये पता कर लेते हैं तो विड्थ है 4 मीटर और हर टाइल की विड्थ है 50 सेंटीमीटर दोबारा डिवाइड करेंगे हम उसी मेथड से तो आप देखें पता लग जाएगा हमको 0 0 कैंसिल यस 8 टाइल्स तो 8 टाइल्स रखी गई हैं विड्थ के अलॉन्ग एंड 12 टाइल्स हैं लेंथ के अलॉन्ग अब आप 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो आपको आंसर मिल जाएगा तो 12 8 टाइम्स कितना होता है 96 मतलब पूरे रूम में 96 टाइल्स हैं 96 टाइल्स यस दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ एरिया कवर्ड बाय ईच सर्कुलर टाइल इज एक सर्कुलर टाइल का एरिया पता करना है ठीक है तो क्योंकि वो टाइल सर्कुलर है इसलिए फॉर्मूला हम पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं रेडियस है 25 अगर आप रेडियस से कंफ्यूज हैं तो आप देख सकते हैं कि टाइल का डायमीटर 50 गिवन है तो रेडियस ऑब्वियसली उसकी हाफ होनी है तो दैट इज़ 25 ओके अब 22/7 मल्टीप्लाइड बाय जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा 625 ओके इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1964.29 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली तो डी ऑप्शन सही है ओके डी ऑप्शन में ये 9 और 8 मैच नहीं कर रहे हैं ये इस वजह से क्योंकि जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें मैं राउंड ऑफ भी कर रहा हूँ ओके क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो मिलेगी हमें वो मिलेगी 9 1964.2857 एंड सो ऑन सो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है एंड मुझे मिल रहा है 1964.29 उन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया है दोनों ही आंसर सही हैं ओके तो इसलिए डी ऑप्शन को हम टिक क्लिक करते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ आई होप सब कुछ क्लियर है अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर तो रेक्टेंगुलर फ्लोर तो रेक्टेंगल शेप में है इसका एरिया फाइंड करना है तो लेंथ और ब्रेथ को बस मल्टीप्लाई कर दें लेंथ है 6 मीटर ब्रेथ है 4 मीटर मल्टीप्लाई कर दें तो चलिए 6 मीटर को 4 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं अब ज़रा ध्यान से देखिए कि उन्होंने सारे एरियाज़ को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख रखा है ना तो हमें भी इन मीटर्स को सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओके तो थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं
सिक्स मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, एंड 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम 240000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है ये? यस, दिस बी ऑप्शन। ओके, आई होप ये भी क्लियर है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट रिमेन्स अनकवर्ड विद टाइल्स। तो अगर आप ध्यान से देखें इस रूम को, रूम के फ्लोर को, तो इसका कुछ कुछ पोर्शन छूट रहा है, तो वो छूटा हुआ पोर्शन बताना है। ओके, इस पिक्चर को ज़रा मैं अगर मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊँ ना, तो कुछ ऐसा है कि ये टाइल है, ओके, दिस इज़ अ टाइल एंड दिस इज़ अ टाइल एंड दिस इज़ अ टाइल। ओके, इस तरह से टाइल्स लगे हुए हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको टाइल्स के बीच में कुछ छूटा हुआ ये पार्ट दिख जाएगा। ओके, देखें ये कुछ पार्ट छूटा हुआ है। ओके, तो हमें ये एरिया बताना है, तो ये एरिया बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूरे फ्लोर के एरिया में से जितनी भी टाइल्स हैं उन सारी टाइल्स का एरिया सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। ओके, तो चलिए करते हैं। पूरे रूम का जो एरिया है, पूरे रूम का जो एरिया है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 240000, ये पूरे फ्लोर का एरिया है, 240000, ये पूरे रूम का, पूरे फ्लोर का एरिया है। हम निकालते हैं टाइल्स का एरिया, तो पहले देखें कितनी टाइल्स हैं, हमने कहीं ढूंढा था, टाइल्स हैं 96, टाइल्स हैं 96 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक टाइल का एरिया कितना है वो भी हम निकाल चुके हैं, 1964.29 ओके, अब मैं इसे ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ, देखता हूँ कितना मिलेगा मुझे, 96 मल्टीप्लाइड बाय 1964.29, ओके, तो दिस इज़ 240,000 माइनस 188,571.84 51428.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन इन्होंने इस बार सारे ऑप्शंस दे दिए हैं मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो आप 100 से डिवाइड करें, लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, 100 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इसी तरह अगर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 100 क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में डिवाइड चेंज करना है तो हम इसको 100 स्क्वायर, आई मीन 100 × 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये 100 इसका डेसिमल यहाँ पर ले आएगा एंड ये दूसरा 100 इसका डेसिमल यहाँ पर ले आएगा। मेरे कहने का मतलब है फाइनली आपको 5.142816 मीटर स्क्वायर मिलेगा। देखते हैं क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। यस, ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, मेरी वैल्यू थोड़ी लंबी है, लेकिन आप देखें सी वैल्यू थोड़ी राउंड ऑफ करके छोटी बना दी गई है। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, अगर कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।